संजू के ढाबे में आपका स्वागत है। इसी वक्त सब्सक्राइब बटन को दबाएं और हमारे साथ जुड़े, साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाकर हर पल की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं रितु खन्ना संजू के ढाबे में फिर से आपका एक बार स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए बैगन का भरता बनाऊंगी, जिसमें मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ दही, अदरक, हरी मिर्च के साथ बनाया है। बनाना बहुत आसान है, बहुत लाइट होता है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। चलिए बनाते हैं। ये लिए हमने एक पैन, इसमें थोड़ा सा रिफाइंड डाला, देसी घी भी डाल सकते हैं, ये देसी घी में ज़्यादा अच्छा बनता है। घी हमारा गर्म हो गया, मैं इसमें जीरा डालूंगी, थोड़ी सी हींग, बारीक कटी हुई अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ये अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम ये उबला या भुना हुआ बैगन, मैश किया हुआ डालेंगे और इसे बहुत अच्छे से भूनेंगे। हम इसे स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ी लाल मिर्च, थोड़ा गरम मसाला। ये सबको डालने के बाद हम बहुत अच्छे से इसे भूनेंगे। देखिए अब हमारा ये भून गया है, मैं गैस बंद कर दूंगी और अब मैं इसमें दही डालूंगी। दही मैंने फेंट के रखा है, गाढ़ा दही। मैं इसमें थोड़ा हरा धनिया डाल दूंगी। मैंने लिया एक पैन, इसमें डाला थोड़ा सा देसी घी, घी हमारा गरम हो गया है, अब मैं इसमें थोड़ा जीरा डालूंगी। बता के डालो। बस मैं इसमें ऊपर से थोड़ा सा घी का तड़का डाल के बस इसे ढक दूंगी। 5 मिनट हो गए हैं, हम इसे खोलते हैं। देखिए हमारा भरता बन के तैयार है, हम इसे सर्व करते हैं। आपने बैगन का भरता देखा ना, कितना बनाना आसान है, बहुत कम चीजों के साथ बहुत जल्दी बन जाता है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर करिएगा। फिर मिलूंगी अगली बार एक नई रेसिपी के साथ। बाय।